मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 55वां पार्ट है। चलिए हम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को और टर्मिनोलॉजी को और विचारों को ले रहे हैं। तो बताइए, सामाजिक संरचना का मुख्य आधार क्या है? धर्म या सामाजिक संबंध? टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार कौन सामाजिक संरचना के तत्व नहीं है? सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक विघटन? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया, यानी मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन? टॉलकॉट पार्सन्स या आर के मर्टन? अप्रकट प्रकार वो होते हैं जो दिखते हैं या जो न दिखते हैं और न ही अभिज्ञात होते हैं। सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका का कि आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया? ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, मर्टन ने या नेडल ने? ये किसका विचार है कि सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थ की अमूर्त रचना है और विद्यमान यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर या लेवी स्ट्रॉस? अप्रकार्य भाग है सभी समाजों का या विघटित समाजों का? सामाजिक संरचना का कौन एक तत्व नहीं है, ये प्रश्न आया हुआ। सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, मानक या आदर्श शून्यता? किस विचारक ने कहा था हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है? मैक्स वेबर या एटियोजोनी? एटियोजोनी। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी, पेरेटो या दुर्खिम? भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, दुर्खिम या पेरेटो? सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक का वर्णन किसने किया है, दुर्खिम या कॉम्ट? टॉलकॉट पार्सन्स एवं रॉबर्ट के मर्टन का समाजशास्त्र के अध्ययन का क्या उपागम है, अंतःक्रियात्मक या संरचनात्मक प्रकारजात्मक? टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार कौन संरचनात्मक तत्व नहीं है? परिवार, वैवाहिक संबंध, सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक विघटन? प्रकार्य, अकार्य, नकार्य, पटकर प्रकार्य, परोक्ष प्रकार्य, ये कुछ अवधारणाएं हैं। इसका वर्णन किसने किया, पार्सन्स या मर्टन? सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा में अंतर्निहित निर्णायक विचारों में से एक ये है कि सामाजिक व्यवस्था में अपने तत्वों के गुणों के अतिरिक्त अपने स्वयं के अद्भुत गुण होते हैं। इस विचार की आलोचना किसने की, बहुत महत्वपूर्ण है, सी राइट मिल्स या एंथोनी गिडेंस? सामाजिक संरचना का कौन एक पहलू नहीं है, भूमिका एवं परिस्थिति, प्रतिमान, संस्थाएं या भाषा? और
सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतर्क्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल के रूप में किसने किया है? टॉलकॉट पार्सन्स या कॉल मैन हिम? प्रकार्य को प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों में किसने बांटा? मैक्स वेबर या आर के मर्टन? वास्तविक संरचना एवं समान संरचना के मध्य किसने अंतर स्थापित किया है? नेडल या ब्राउन? सामाजिक संरचना के दो स्तर प्रकार्यात्मक उप प्रणाली तथा संरचनात्मक उप प्रणाली का वर्णन किसने किया है? पार्सन्स या जॉनसन? जाति की संरचना की व्याख्या में सोपान क्रम के पहलू को किसने महत्व दिया? मिल्टन सिंगर या लुईस ड्यूमा? कौन सामाजिक संरचना की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? स्टॉफर या रेडक्लिफ ब्राउन? किसके अनुसार सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत आदर्श सामाजिक संरचना के दो मुख्य तत्व हैं? दुर्खिम या मर्टन? वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई? औद्योगिक समाज में या कृषक समाज में? किसने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी है? पार्सन्स या मर्टन? किसने कहा है भूमिका समुच्च में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक हैं? नेडल या मर्टन? तो ये रहा कुल मिलाकर के, और इसको आप अच्छे से बार बार सुने। थैंक यू।